आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हो रहे हैं। इसमें हम लोग आज हल करने वाले हैं बहुपदी में द्विपदी का भाग, मतलब बहुपदी व्यंजक है इसमें हम लोग द्विपदी व्यंजक के साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारा जो पाठ है आज है प्रश्नावली 4.3, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखना है। इससे पहले हम लोग इससे नीचे कक्षाएं पढ़ चुके हैं, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना और घटते क्रम में लिखना, लेकिन हमारे पास एक आज नया सब्जेक्ट आया हुआ है कि हमको क्या करना है, ये जो घातांक है घातांक को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो घातांक को घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को ध्यान नहीं देते हैं, जो संख्या के ऊपर जो लिखा हुआ है ये घात, इसको ध्यान दिया जाता है। जैसे कि यहाँ एक्स का घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक्स का घात कितना है, 1 है, यहाँ एक्स का घात 4 है, यहाँ एक्स का घात 3 है, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि एक्स का घात क्या होगा, ये 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले पाठ में पढ़े हैं पी का घात 0 बराबर क्या होता है, 1। तो ये 1 के जगह में डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी संख्याओं में एक्स का पद दिया हुआ है, तो इस प्रकार हमारा जो ये है इस घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है, घटते क्रम में लिखे बोला है, तो हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए है हम लोग संख्या का अधिकतम घात को ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 1, 4, 3 और ये 0, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, घटते क्रम में लिखेंगे तो अधिकतम घात कितना है, 8। इसके सामने का चिन्ह को भी ध्यान दिया जाता है, धन चिन्ह है, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे, 8, एक्स का घात 4। अब उसके बाद देखिए 4 से छोटा क्या है, यहाँ पर देखिए 3, 3 के सामने में 4 गुणांक है, ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यहाँ लिखेंगे -4, एक्स का घात 3। इसी प्रकार 3 से छोटा खोजेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 15। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, धन छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, धन 15, एक्स का घात 2। 2 से छोटा कितना है, ये 3, इसलिए क्या है, ये -3, एक्स का एक्स, और उसके बाद यहाँ कितना बचा हुआ है, 15, लिख सकते हैं ये -15। तो ये हमारा उत्तर हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 को इसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो चर राशि है बदल दिया हुआ है, एक्स के जगह में यहाँ कितना लिख दिया है, एम लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अधिकतम घात को ध्यान देंगे एम को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, 5 है, 2, 2, 2 जगह हो गया है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कहाँ पे गलती हो गया है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, m का घात क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी चलिए लिखते हैं कि हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 को लिख देंगे, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा पहली संख्या ही 12, m का घात 5, उससे छोटा -9 का घात, -9, m का घात 3, उससे छोटा देखिए 5 के बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 2 है, 2 में कितना दिया हुआ है, -6। हमको चिन्ह को भी ध्यान में लेके चलना पड़ता है, -6, एम का घात 2, और 2 से छोटा किया है, यहाँ पे देखिए 1, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे -8 एम हो जाएगा, धन 8 एम, फिर बचा कितना, 16 धन 16। अब इसको लिखने के बाद हम लोग गिन लेंगे कितने पद में दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पद को गिन लेने से हमें ये निश्चित हो जाता है कि हमारे पास कोई भी पद नहीं छूटा हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से एक बार आप लोग जांच कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो कभी कभी होता क्या है, लिखते लिखते छूट जाता है। अब यहाँ भी देखते हैं अधिकतम घात कितना है, 4 है 2 है 1 है 3 है, यहाँ 0 है, तो 4 वाले ही आ गया है। 9m का घात 4, 4 से छोटा 3 है, ऋण m का घात 3, उसके बाद 2 आ जाएगा, ऋण 16, m का घात 2, 2 से छोटा 4m+16। अब अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है 3 है 2 है 1 नहीं है 0 है, तो यहाँ पे 4 वाले को लिख देंगे 12y का घात 4, ऋण यहाँ ऋण चिन्ह है 8y का घात 3, ऋण 6y का घात 2, उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे 4 यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा धन 4। अब गिन लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 4 पद हैं। इस प्रकार ये चारों का उत्तर आ चुका है। ये सवाल नंबर 1 का उत्तर, सवाल नंबर 2 का उत्तर, सवाल नंबर 3 का उत्तर है और सवाल नंबर 4 का उत्तर है। सवाल नंबर 2, भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 सवाल दिया हुआ है, तो मैं इसमें 3 सवाल को हल करूंगा, ताकि वीडियो का बहुत लंबा हो जाता है, तो छोटा सा वीडियो बने आप लोगों को भी अच्छा है। तो सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पे एक्स ऋण 5 से भाग, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक्स ऋण 5 को भाग करेंगे, x का घात 2, ऋण 11x+30 के साथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर गुणनखंड इसका बन चुका है तो भागफल भी बहुत आसानी से बनेगा, अगर गुणनखंड में दिक्कत आया है तो भागफल में थोड़ा सा परेशानी आएगा। तो हम लोग जो संख्याओं का भाग करते हैं सेम उसी प्रक्रिया में है, थोड़ा सा इसको बस समझना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे एक्स, तो हमारे इस पहले पद को लेंगे, ये दूसरा पद है, अरे पहला पद है, तो इस बहुपद का भी हम लोग क्या लेंगे, पहले पद को। तो हम यहाँ पे एक्स को लिए थे, हम लेंगे x का घात 2 को, और लेने के बाद क्या करेंगे x का घात 2 को भाग करेंगे एक्स के साथ। देखिए यहाँ पे इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा आप लोग को, x का घात 2 को भाग करेंगे एक्स के साथ। जब एक्स के साथ भाग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इसका सूत्र पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है x का घात m/x का घात n = xm-n। तो इसी सूत्र से चलेगा तो कितना हो जाएगा, x 2 ऋण 1 = 2, में घटाएंगे तो कितना बचेगा एक्स। तो ये हमारा ये भागफल कितना आया, एक्स आया, तो उस एक्स को हम लोग फिर यहाँ पे लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, उस एक्स का पूरे ये x 3 5 के साथ गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x 3 5 गुणा कर दिए। तो गुणा करते हैं, देखिए एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा x x x, और यहाँ घात 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, या इसको हम लोग लिख दिए एक बार एक्स अधम ऋण ऋण एक्स और यहाँ पे 5 गुणा कर दिए, एक्स एक्स कितना हो जाएगा x 1 1 2 ऋण 5 = 5x। हमने जो किया तो एक प्रक्रिया इतना अपनाना पड़ेगा, अपना लेंगे फिर जो हमारा ये भागफल था, और उसके बाद आया x का घात 2 ऋण 5x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा x का घात 2 ऋण 5x
और 5x लिखने के बाद आप क्या करते हैं, घटाएंगे, तो घटाने से क्या होगा, जो यहाँ का चिन्ह है वो बदल जाएगा नीचे का। जैसे धन था ऋण था, ये क्या हो जाएगा धन, ऋण है धन था तो क्या हो जाएगा ऋण। तो उसी प्रकार 11 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6, ये एक्स एक्स है इसलिए एक्स हो जाएगा, और ये धन 2 एक्स है और ऋण एक्स है का, धन 2 धन एक्स का घात 2 है और ऋण एक्स का घात 2 है, इसलिए इसमें हम लोग काट देंगे। और काटने के बाद क्या करेंगे, जो बचा हुआ संख्या है कौन सा 30, इस 30 को फिर से उतार लेंगे। अब जो प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे अपनाए थे सेम प्रक्रिया यहाँ पे अपनाएंगे। क्या किए थे, इसका प्रथम पद को भाग किए थे ये 3 6x के साथ, तो सेम यहाँ पे करेंगे। ये पहले पद के भागफल के लिए था, ये दूसरे पद के भागफल के लिए है। तब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6x, जो x था x का घात 2 तो उसके जगह हम लिख दिया 6x और यहाँ पे लिख देंगे x। देखिए यहाँ पे ये x x कट जाएगा तो बचेगा कितना 6। क्या चिन्ह है वहाँ पे, 6 6 11 ऋण चिन्ह है और धन 5 क्या है धन चिन्ह, तो बड़ी संख्या के सामने ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ऋण आएगा। इस प्रकार यहाँ पे ऋण आ जाएगा तो ये ऋण आ जाएगा, हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण में आ जाएगा, ऋण 6 लिख देंगे। और जो ये ऋण 6 आया था उसको क्या किए थे, इस पूरे में गुणा किए थे, तो यहाँ पे फिर ऋण 6 का गुणा कर देंगे x ऋण 5 के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं, ये ऋण है और ये धन, धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण 6 1 6x, ऋण और धन क्या हो जाएगा ऋण, ऋण क्या हो जाएगा धन 5 6 30। जो हमारा गुणन फल आया उसको हम लोग फिर यहाँ से उतार देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 6x धन 30। घटाने पर इसको घटाते हैं तो घटाने से क्या होता है, चर संख्या में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये धन था तो क्या हो जाएगा ऋण, ये ऋण था तो क्या हो जाएगा धन। इस प्रकार धन और ऋण आपस में कट गया, ऋण और धन आपस में क्या हुआ कट गया, यहाँ से क्या आ गया 0। हमारा जो भागफल कितना आ गया, भागफल कितना प्राप्त हुआ है x ऋण 6, और शेषफल कितना है, शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, बोलने से कितना प्राप्त हुआ है 0। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं, बतलाइए कि हम बोला है बतलाइए कि भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनफल है कि नहीं है। शेष अगर हमारा शून्य आता है हम लिख सकते हैं भाजक भाज्य का गुणनफल है, क्या लिख देंगे भाजक भाज्य का गुणनफल है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। अब सवाल नंबर 2 बताने से पहले, 2 क्या 3 को बनाने से पहले इसको मिटा देते हैं, तो चलिए मिटा देता हूँ, बाकी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है। सवाल सरल ही है, थोड़ा सा अभ्यास लगता है, अभ्यास करेंगे तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, आसानी से बन जाएगा। अब सवाल नंबर 3 को देखिए, देखते हैं x का घात 2 ऋण 5 x ऋण 6 किससे भाग करना है, 1 से 6 के साथ। तो यहाँ भी हम लोग ये द्विपदी व्यंजक है और ये तीन पदी व्यंजक है, तो तीन पदी व्यंजक का पहले पद को और द्विपदी व्यंजक के पहले पद को लिखते हैं, और जो प्रक्रिया यहाँ बनाए थे सेम करना पड़ेगा, x का घात 2 को x से भाग करेंगे, तो जो सूत्र आपने आया थे सेम वही हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम है 2 है इसलिए 2 बार बटे एक्स, ये एक्स कट जाएगा तो कितना बच जाएगा एक्स। तो इस एक्स का हम लोग यहाँ पे भागफल में लिख दिए थे, लिख दिए, और इस एक्स को क्या किए थे पूरे के साथ गुणा, तो गुणा कर देते हैं एक्स गुणित एक्स ऋण 6, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ऋण 6x, एक्स कितना हो जाएगा x का घात 2 ऋण 6x।
इसको हम लोग फिर यहाँ उतार देंगे तो कितना हो जाएगा, x का घात 2 ऋण 6x। अब फिर इसको घटा देते हैं, घटाने से क्या था, चिन्ह को बदल दिए थे तो ये धन ऋण था, क्या हो जाएगा धन, धन है क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ धन है लेकिन वो छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये धन और ऋण आपस में कट गए, अब यहाँ पे ऋण 5 है, यहाँ धन 6 है, तो एक धन है, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, तो क्या होगा घटेगा, तो हम लोग 6 में 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने धन चिन्ह से धन आएगा, और ऋण 6 को उतार देंगे। तो ये पहले पद के लिए था, तो अब हम दूसरे पद के लिए गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x, इसका पहला पद को लेंगे, इसका पहला पद को, तो कितना हो जाएगा x बटे x, एक्स कट जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 1। इस 1 को फिर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे धन 1, और 1 से गुणा करेंगे x ऋण 6 को, x ऋण 6 को गुणा करेंगे 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा x ऋण 6। इसको फिर से उतार देते हैं पुनः यहीं पे, x ऋण 6 चीन बदल जाएगा, एक हो जाएगा धन, ये वाला हो जाएगा ऋण, धन ऋण कट गया, धन ऋण कट गया 0 0। तो इस प्रकार हम लोग, हमारे पास भागफल कितना आया, भागफल x धन 1 और शेषफल जीरो। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं भाजक भाज्य का क्या है, गुणनफल है। ये सवाल बहुत ही आसान है। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, तो उससे पहले फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ। मिट चुका है, अब अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 5वां नंबर, क्या है, a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2 को भाग करेंगे किससे, a धन b के साथ। प्रक्रिया हमको सेम अपनाना है, a का घात 2 बटे a, या लिख सकते हैं 2 बार है तो इसको ए ए छोटा संख्या में कर सकते हैं, बचा ए, यहाँ पर लिख देंगे ए, फिर इस ए को गुणा करेंगे इसके साथ, ए ए धन बी, ए का गुणा करेंगे ए से, कितना हो जाएगा ए, ए घात 1 और 1 घात 1 हो जाएगा 2 घात। छोटा सा एक लाइन को मैं छोड़ दे रहा हूँ और शॉर्टकट बना रहे हैं, ए बी कितना हो जाएगा यहाँ ए बी। अब इसको हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, ये हमारा पहला भागफल का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब यहाँ उतार दिए तो हो गया ए का घात 2 धन ए बी, चिन्ह को फिर से बदल देंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण कट गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए बी बटे बी का घात 2। अब दूसरे पद के लिए सेम प्रक्रिया करते हैं, ये पहला पद को लेंगे और इस पद को, तो कितना हो जाएगा ए बी बटे ए, ए ए कट गया, कितना बचा बी, यहाँ पे लिख देंगे धन बी, और इस बी का गुणा होगा इसके साथ, ए धन बी, तो कितना हो जाएगा ए बी धन बी का घात 2। हम लोग इसको ए बी सी डी के घात के घटते क्रम में लिखते हैं, ए बी से पहले आता है इसलिए ए को पहले लिख दिए हैं, और ए के बाद बी आता है इसलिए बी को लिख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये गुणनफल आया, इसको लिख देंगे ए धन ए बी धन बी का घात 2, चिन्ह को बदल देंगे तो ऋण आ जाएगा। इस प्रकार देखिए ये कट चुका है, और हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल कितना प्राप्त हुआ है,
ए धन बी और शेष फल शून्य है। तो इस प्रकार हम लोग इसे भी कह सकते हैं कि भी भाजक क्या है, भाज्य का गुणनखंड है। सवाल नंबर 3 हल करते हैं। भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि गुणनखंड नहीं है और भागफल एवं शेषफल को लिखना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम है पहले प्रश्न नंबर 2 की तरह। तो लिख देते हैं पहला नंबर का हल। एक्स का घात और का मान 1, एक्स का घात 3 धन 2 एक्स का घात 2 ऋण 3 एक्स धन 4। अब इसमें है एक्स ऋण 1 से भाग करना है, तो जो हम लोग यहाँ अपना रहे थे सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। 4 पदी व्यंजक है, इसका हम लोग ये इसको लेंगे बड़ी घात वाले को और इसका एक्स को। कैसे करेंगे, एक्स का घात 3 बटे एक्स, लंबा प्रक्रिया चलेगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग चाहे तो सीधा काट सकते हैं इसको, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका घात 2, लेकिन ये 3 ऋण 1 बराबर एक्स का घात 2, मैं करके दिखा दिया और 2 लिख दिए तो ये भागफल हमारा आया 2, 2 को लिख देंगे। और 2 लिखने के बाद करें क्या करेंगे, इस एक्स का घात 2 के 2 से पूरे भाजक का गुणा करेंगे। तो भाजक एक्स का घात 2 ऋण एक्स ऋण 1 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, एक्स 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 2 और 1 3 ऋण धन ऋण ऋण एक्स का घात 2। तो ये हमारा पहला पद कंप्लीट हो चुका है, तो इसको फिर से यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, एक्स का घात 3 ऋण एक्स का घात 2। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको घटाते हैं तो घटाने पर क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह को बदल देते हैं, तो बदला गया धन है और ऋण कट गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 एक्स का घात 2। उसके बाद यहाँ पे एक पद को उतार देते हैं 3x, अब जरूरत पड़े तो हम लोग इसको भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दिए, नहीं उतारने से भी चलता। आप फिर से यहाँ पे जो किए थे ये प्रथम पद था, अब हमारा ये भागफल का प्रथम पद ये है, तो इसको लेंगे और इस x को, तो कितना हो जाएगा, 3 x का घात 2 बटे एक्स, दो एक्स में एक एक्स कट जाएगा फिर एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। तो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, धन 3x और इस 3x के साथ गुणा कर देंगे, 3x ऋण एक्स ऋण 1, अब गुणा कर देंगे 3 एक्स 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 1 और 1 2 धन ऋण ऋण 3x। अब इसको यहाँ पे उतार देंगे तो 3 एक्स का घात 2 ऋण 3x। अब इसमें होता क्या है कि आप लोग जब भी भाग करें तो इसमें हम लोग को एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि इसमें जिसको जो भाग करते हैं वो संख्या का होता है, कटता है, अगर नहीं कट रहा है तो हमारा जो है भागफल क्या होगा, गलत होगा, तो इसमें वो संख्या क्या है, कटता ही कटता है। तो चलते हैं आगे हल करते हैं।
कट गया, चिन्ह को फिर बदल देंगे। ये ऋण है, क्या हो जाएगा धन, और धन क्या हो जाएगा ऋण में बदल जाएगा। तो ये धन ऋण आपस में कट गया। अब हमारे पास यहाँ देखिए, ये भी ऋण है, ये भी धन है, तो ये कट जा रहा है, और हमारे पास चार बच रहा है। तो सब देखते हैं सवाल को, तीन एक्स यहाँ पे धन तीन एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे धन। तो ये धन लिख दिए तो क्या हो जाएगा, धन धन तीन तीन छः एक्स धन चार। कभी कभी लिखते लिखते थोड़ा सा हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको समझने का प्रयास करेंगे। अब हमसे गलती नहीं होगा तो किससे होगा। अब फिर से क्या करेंगे, ये पहले पद को लेंगे और दूसरे पद को, तो क्या हो जाएगा छः एक्स बटे एक्स 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 कट गया, छः आ गया। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे धन छः। अब धन छः लिखने के बाद क्या करेंगे, इस पूरे भागफल का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स ऋण एक से गुणा किए छः एकम छः एक्स ऋण छः। अब यहाँ पे फिर इसको उतार देते हैं तो कितना हो जाएगा छः एक्स ऋण छः, चिन्ह बदला जाएगा तो हो जाएगा धन, हो जाएगा ऋण, कट गया ये चार और छः कितना हो जाएगा दस। इस प्रकार हमारा जो सवाल नंबर पहले का भागफल, इसमें लिखने के लिए बोला है भागफल एवं शेषफल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भागफल, भागफल कितना प्राप्त हुआ, एक्स का घात दो धन तीन एक्स धन छः। थोड़ा आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा, और शेषफल शेषफल कितना प्राप्त हुआ दस। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर फर्स्ट बन चुका है। अब सवाल नंबर दो को हल करते हैं, और हल करने से पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, और नहीं मिटाएंगे तो हल करते नहीं बनेगा। इसमें हमारा शेषफल कितना बचा है दस। अब जैसे देखिए, अगर शेष फल दस नहीं बचता तो क्या रहता, गुणनखंड था, शेषफल बचा, इसलिए क्या है गुणनखंड नहीं है। अब जो सवाल नंबर सेकेंड है, थोड़ा सा अन्य सवालों से क्या है हटके हैं। अब क्या हटके हैं थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी सवाल में देखिए, पहले नंबर में क्या था, चर संख्या का घात घटते क्रम में है, तीन के बाद दो के बाद एक के बाद शून्य। यहाँ भी देखिए चार तीन दो एक शून्य, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अटंडम है, यहाँ कितना दिया हुआ है शून्य है दो है चार है और ये तीन है। हम लोग भाग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को बढ़ते के घटते क्रम में लिख लेंगे। घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो यही पर मैं कर देता हूँ व्यवस्थित। तो क्या हो जाएगा एक्स का घात तीन, आप लोग इसको बढ़िया से लिख लेंगे धन तीन एक्स का घात दो ऋण चार एक्स ऋण बारह। एक दो तीन चार पद है, एक दो तीन चार पद, तो हमारा क्वेश्चन अब हल करने बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। पास जगह नहीं होता इसलिए यहीं पे कर दिए। तब हम लोग इसको ना लिख के इसको लिखेंगे एक्स का घात तीन धन तीन एक्स का घात दो ऋण चार एक्स ऋण बारह। किससे भाग करना है, एक्स धन पाँच के साथ, लेकिन प्रक्रिया था हमें सेम अपनाना पड़ेगा। एक्स का घात तीन बटे एक्स, इसमें से तीन में एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दो, सीधा लिख सकते हैं एक्स का घात दो, हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स का घात दो। और इस एक्स का घात दो में क्या करेंगे, इसमें हम पाँच का गुणा कर देते हैं, ये हमारा भागफल था। एक्स का घात दो धन एक्स धन पाँच, एक्स एक्स कितना हो जाएगा एक्स
दो और एक तीन और यहाँ पाँच एकम पाँच घन x का घात दो। इसको फिर यहाँ उतार देंगे तो कितना हो जाएगा x का घात तीन घन पाँच x का घात दो। अब फिर से जो प्रक्रिया है क्या है इसको घटा देंगे, घटाने पर ही चिन्ह बदल जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण आपस में कट गया। जब भी भाग देंगे तो ये कटना ही चाहिए, नहीं कट रहा है तो हमारा जो गुणनफल है भागफल क्या है जो गुणा किए हैं वो गलत है। अब यहाँ पर देखिए तीन में पाँच घटाएंगे कितना बचेगा, पाँच में तीन घटाएंगे कितना बचेगा दो एक्स का घात दो, फिर उतार देंगे ऋण चार एक्स ऋण बारह को, और बड़ी संख्या के सामने और बड़ी संख्या पाँच है छोटी संख्या तीन है इसके सामने ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण लिख देंगे। तो ये हमारा जो पहला पद था कंप्लीट हो चुका है, दोनों तरफ हल करेंगे तब जाके भागफल बनेगा। अब यहाँ पे बचा कितना ऋण दो एक्स का घात दो बचे एक्स, ये एक्स और एक्स कट गया कितना बचा ऋण दो एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे ऋण दो एक्स, फिर इसको गुणा कर देंगे ऋण दो एक्स के साथ एक्स धन पाँच का गुणा, तो ऋण धन क्या हो जाएगा ऋण दो एकम दो एक्स 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 का घात दो ऋण धन ऋण पाँच दूनी दस एक्स। अब यहाँ पर लिख देते हैं उसी को ऋण दो एक्स का घात दो ऋण दस एक्स, फिर से चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा धन ये वाला क्या हो जाएगा धन, ये तो कट गया बंद करके। अब यहाँ पे दस में चार घटाएंगे कितना बचेगा छः एक्स ऋण बारह। उस प्रक्रिया को फिर से हम लोग अपनाएंगे तो चलिए अपना देते हैं ये छः एक्स बटे एक्स 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 कट गया कितना बचा छः, बड़ी संख्या के सामने धन चिन्ह से धन ही होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा धन छः। अब इस छः से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा छः एक्स धन पाँच छः एकम छः एक्स धन छः पंचे तीस, इसको लिख दिए तो कितना हो जाएगा छः एक्स धन तीस। चिन्ह को बदल देंगे तो ऋण आ जाएगा, ये ऋण कट गया तीस और बारह कितना हो जाएगा ऋण बयालीस। तो इस प्रकार जो हमारा भागफल कितना आ जाएगा एक्स का घात दो ऋण दो एक्स धन छः और शेषफल कितना है देख लीजिए ऋण बयालीस। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर दो का भी हल हो चुका है, यहाँ पे दो नंबर होगा, जगह थोड़ा सा ज़्यादा लेता है क्योंकि दोनों प्रक्रिया अगर नहीं अपनाएंगे शॉर्टकट बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों को करना जरूरी है, समझ जाने के बाद तो बहुत आसान जाता है। अब फिर से मिटा देते हैं सवाल नंबर तीन के लिए, ये भी क्या है सवाल बढ़ते घटते क्रम में दिया हुआ है तो इसका भाग मैं यहाँ ना करके यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा लेगा, देखिए बाकी सवालों से लंबा। सवाल नंबर तीन है इसको हम लोग यहाँ नहीं बना के बगल में बनाते हैं, थोड़ा सा ये लंबा पद जाएगा, यहाँ लिख देंगे चार एक का घात चार वीर दो एक्स का घात तीन ऋण दस एक्स का घात दो धन तेरह एक्स ऋण छः।
दो एक्स धन तीन के साथ भाग करना है, बाकी कुछ नहीं है। पहले सवाल की तरह ही करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, चार एक्स का घात चार बटे दो एक्स, दो एकम दो, दो दूनी चार, एक्स में काट देंगे एक्स को, एक एक्स को कर कितना बचेगा तीन, यहाँ कितना हो जाएगा दो एक्स का घात तीन। यहाँ पे हमें लिख दिए दो एक्स का घात तीन, इस दो एक्स का घात तीन का गुणा कर देंगे, दो एक्स का घात तीन का गुणा हो जाएगा दो एक्स धन तीन के साथ, या दो दूनी चार एक्स, एक्स कितना हो गया एक्स, तीन अरे चार धन तीन दूनी छः, एक्स का घात तीन हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर यहाँ उतार देंगे, चार एक्स का घात चार धन छः छः एक्स का घात तीन। अब इसको क्या करना है, घटाना है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह को बदल देते हैं, ये कितना हो जाएगा ऋण, ये ऋण हो जाएगा, ये तो कट गया, ये जुड़ जाएगा छः और दो आठ एक्स का घात तीन ऋण दस एक्स का घात दो। अब यहाँ भी कुछ नहीं करना है, पहले जो पुनः पिछले बार बनाए हैं या इसी की तरह फिर से बनाएंगे, इस पद को फिर से ले लेंगे, आठ एक्स का घात तीन बटे दो एक्स, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा दो दो एकम दो, दो चौके आठ, यहाँ कितना बच गया चार एक्स का घात दो। और यहाँ पर ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण चिन्ह को दर्शाना पड़ेगा, तो ऋण क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋण चार एक्स का घात दो। तो इस ऋण चार एक्स का घात दो का गुणा कर देंगे दो एक्स धन तीन के साथ, तो ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण चार दुनी आठ एक्स का घात तीन धन ऋण ऋण चार किया बारह एक्स का घात दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण आठ एक्स का घात तीन ऋण बारह एक्स का घात दो, चिन्ह को फिर बदल देंगे, ये धन हो जाएगा ये भी धन, ये तो कट गया, तो बारह में दस घटाएंगे बचेगा दो एक्स का घात दो, धन उतार देंगे तेरह एक्स को, फिर से प्रक्रिया को जो करते हैं उस मेथड को फिर से अपनाते हैं। तो इससे पहले फिर मैं मिटा देता हूँ, जगह था छोटा हो जाता है, दो एक्स का घात दो बटे दो एक्स, दो दो कट जाएगा ये दो अरे एक, यहाँ बचा कितना एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे धन एक्स, फिर इस एक्स का गुणा कर देंगे दो एक्स धन तीन के साथ, दो एक्स 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 का घात दो धन तीन एक्स, इसको फिर लिख देते हैं दो एक्स का घात दो धन तीन एक्स, तीन फिर बदल जाएगा ये कट जाएगा दस में तेरह में तीन घटाएंगे दस एक्स, फिर कितना बचा हुआ है ऋण छः, फिर वही अपना प्रक्रिया को अपना देंगे तो कितना हो जाएगा, दस एक्स बटे दो एक्स, एक्स एक्स कट गया दो एकम दो, दो पंखे दस, यहाँ पे क्या लिख देंगे धन पाँच, फिर पाँच से गुणा कर देंगे दो एक्स धन तीन के साथ, दो पंखे दस एक्स धन पाँच किया पंद्रह, फिर कितना हो जाएगा दस एक्स धन पंद्रह, तीन बदल देंगे ऋण आ जाएगा तो पंद्रह छः इक्कीस ऋण इक्कीस। तो हमारे पास ये क्या हो गया,
भागफल दो x का घात तीन ऋण चार x का घात दो धन x धन पाँच और शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है ऋण इक्कीस। हमारा शेष फल कितना प्राप्त हुआ ऋण इक्कीस।